हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्यूटीफुल लाइफ विद रिशानी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। गुड इवनिंग, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो आज है विश्वकर्मा पूजा और अभी 5:30 होने वाला है, 5-7 मिनट कम है। और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज ना मैं मार्केट चली गई थी, 1.5-2 घंटा ना मैं मार्केट में पूरा घूमी हूँ। और इतना धूप था ना आज, और वो धूप में ना इतना घूमी हूँ ना कि एकदम थक गई हूँ। मतलब कोई काम भी नहीं हुआ है और बिना मतलब का थक गई हूँ। आने के बाद ना मैं घर पे सो गई हूँ। सोने के बाद ना अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ। सब लोग सोया हुआ था, मनीषा भी सोई थी, दृशानी भी सोई थी, मैं भी सोई थी। मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बोली हुई थी ना, एक न्यू प्रोजेक्ट पे मैं काम करने वाली हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं अपने पूरे घर का ना मेकओवर करने वाली हूँ, तो पेंट करने वाली हूँ। तो पेंट की प्लानिंग कर रखे हैं हम लोग कि कौन सा कलर का करना है, क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो साड़ी है ना, इस टाइप का ना मेरे पास बहुत सारा साड़ी है। मतलब 3-4 साड़ी तो है मेरे पास जो कि मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो मैं ये साड़ी का ना सोची थी कि ड्रेस बनाऊंगी। ये जॉर्जेट फैब्रिक का साड़ी है और बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। और आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग में देखे होंगे ये कलर, ये वाला साड़ी मैं पहनती थी। तो इसको लेकर ना मैं कुछ सोची थी बनाऊंगी। और कल के वीडियो में मैं आप लोग को बोली भी थी कि ये वाला जो साड़ी है ना, ये साड़ी पहनने पे नहीं बनता है। मतलब फूला फूला सा लगता है, देखने में तो अच्छा है लेकिन ऐसे पहनने पे अच्छा नहीं लगता है, पहनने में बनता ही नहीं है। और मुझे ना ऐसे साड़ी चाहिए रहता है जो कि मैं फटाफट से पहन लूँ। ये साड़ी का भी मैं ड्रेस सोच के रखी हूँ कि ये साड़ी का भी मैं ड्रेस ही बनाऊंगी। तो इसमें भी एक ड्रेस हो जाएगा, एक कुर्ती आ जाएगा। तो अभी इसमें देखिए ये भी साड़ी है जो कि इसका भी मुझे ड्रेस बनाना है। देखिए यहाँ पे एक एक साड़ी है, ये साड़ी का भी ना मैं ड्रेस बनाऊंगी। और ये जो साड़ी है ना, ये पीच कलर की साड़ी है, भी बहुत सुंदर साड़ी है। एक बार भी नहीं पहनी हूँ, नहीं एक बार शायद मैं पहनी हूँ ये साड़ी। तो ये साड़ी भी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, उसको तो मैं पहनूंगी, अगर मन हुआ तो पहनूंगी, नहीं तो इसका भी मैं ड्रेस बनाऊंगी। तो ये सब कुछ साड़ी है मेरे पास जिसको मैं सोच रखी हूँ कि इसका ड्रेस बनाने के लिए। तो ये वाले साड़ी का ना मुझे हाल फिलहाल में तो बनाना ही था, लेकिन इसका मैं लाइनिंग के लिए गई थी मार्केट और मिला ही नहीं है। बटर फैब्रिक में जो लाइनिंग का कपड़ा आता है ना, लेकिन मिला ही नहीं है। तो अभी फिलहाल इसे मैं यहीं रखूंगी। क्या कर रही है? हाँ बस क्रीम लगाना है, पाउडर लगाना है, बस यही सब करना है ना दृशानी को? क्रीम लगाई। तो यही सब काम के लिए ना मैं मार्केट गई थी, और कपड़े का लाइनिंग लाने के लिए गई थी, लेकिन मिला नहीं है। और मतलब वो कलर में नहीं मिल रहा था, वो रॉयल ब्लू कलर का है ना, तो वो नहीं मिला, दूसरा कलर का मिल रहा था, तो मैं नहीं ली हूँ। तो उसका ड्रेस बनेगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे इस टाइप का ड्रेस ना हम लोग मतलब ऑनलाइन खरीदते हैं, और मेरे पास एक दो ड्रेस है भी। और मुझे इस टाइप का ड्रेस मतलब मैक्सी ड्रेस जो होता है ना, उस टाइप का ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम्फर्टेबल लगता है पहनने में। तो उसके लिए मैं सोची थी कि मेरे पास बहुत सारी साड़ी है तो उसको रीयूज करते हैं, और जो साड़ी नहीं पहनते हैं उसे रखकर भी कोई फायदा नहीं है, उसे मतलब रीयूज करके कोई और मतलब ड्रेस बना सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, और 2-3 साड़ी मैं छाट के भी रखी हूँ कि उसका ड्रेस बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं आज मार्केट गई थी, लेकिन मिला ही नहीं है। मार्केट से जो भी सब्जी लेकर आई हूँ ना, उसे मैं अभी यहीं रखी हूँ। इसे सबसे पहले मुझे धोना है। मनीषा मेरी दृशानी के लिए चावल बना रही है। चावल धो रहे, भी बर्तन भी पड़े हुए हैं मेसिंग में। तो बर्तन सबसे पहले तो बर्तन धोने दो, फिर उसके बाद ये सब्जी धोएंगे। हटो 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 मिला छे। हम लोग खाना बनाते बनाते ना थक जाते हैं ना, तो एक चेयर रखी हूँ किचन में, आराम से बैठ जाओ, है ना? है ना दृशानी, क्या आता तो? दृशानी को ना एक ही स्टेप आता है,
बस वही करती। वही वाला स्टेप ना हर गाना में करती है। आजकल हम लोग चाय पीना ही छोड़ दिए, शाम के टाइम में कभी कभी पी लेते हैं। अभी मैं मूली का भाजी बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है ये भाजी। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हरी मिर्च डाली हूँ, मूली डाल दी हूँ। मूली को लाल होने तक फ्राई कर लेंगे, इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। और यहाँ पे मैं मूली के पत्ते को काट के रखी हूँ, उसे भी मैं डाल दूंगी। जब मूली अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो फिर पत्ते डालकर और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। एक जोश फैन चालू रहता है ना, तो थोड़ा सा आवाज आता है, मतलब पता नहीं क्यों ये थोड़ा आवाज तो करता है। और बहुत पहले ना एक फ्रेंड पूछे हुए थे एग्जॉस्ट फैन कैसा काम कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा है। इसका स्पीड भी काफी ज्यादा है, थोड़ा सा आवाज आता है जब चालू रहता है ना। तो पहले ना मैं खाना बनाती थी ना, बहुत ज्यादा छींका आता था, झांस मुझे बहुत लगता था, अभी नहीं लगता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। मूली अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें डालेंगे मूली के पत्ते। अभी मूली और मूली के पत्ते का भाजी बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं सिंपल सा बना रही हूँ भिंडी आलू का भाजी, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के। अभी हमारा डिनर बन के रेडी हो गया है, रोटी आलू और भिंडी की भुजिया, और ये है मूली की भुजिया। बस यही आता है और कुछ तो आता नहीं है। चलो चलो खाना खाते। इतनी फनी होते जा रही है ना दिन पर दिन, फनी तो है रही है और भी फनी होते जा रही है। मस्ती के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, डिनर करके मिलती हूँ आप लोगों से। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, 9:30 हो गया। अभी हम लोग डिनर कर लिए और बस डिनर करने के बाद वही थोड़ा बहुत किचन क्लीन करने है। बर्तन तो धुला हुआ है, थोड़े से ही बर्तन है धोना है। और अभी 10 बजने वाला है, टाइम भी ज्यादा हो गया। आज विश्वकर्मा पूजा था, तो आप लोग विश्वकर्मा पूजा कैसे सेलिब्रेट किए मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब आसाम में होता है, हमारे ससुराल में, वहाँ तो बहुत धूमधाम से होता है। यहाँ पे पता नहीं चलता है, लोग ऐसे नॉर्मली पूजा करते हैं, लेकिन गांव में ना बहुत अच्छे से होता है। वहाँ पे तो धूमधाम रहता है, चारों तरफ आपको ना गाना ही गाना सुनाई देगा, मतलब इतना ज्यादा धूमधाम रहता है और अलग ही माहौल रहता है। इस ब्लॉग को मैं कल मॉर्निंग तक कंटिन्यू करूंगी। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम। कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं, नेक्स्ट डे आप लोग से मिल रहे हैं। और अभी दिशानी सो रही है, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, मैं और मनीषा उठ गई हूँ। मनीषा इधर बर्तन धो रही है, थोड़े बहुत जो बर्तन थे, एक दो बर्तन थे। और अभी इधर मैं खाना बनाने जा रही हूँ, दाल में चढ़ा दी हूँ। इंजेक्शन, खुद का तो इंजेक्शन इतना मिला ना कि इंजेक्शन देना भी सीख गई।
मुझे भी आकर ऐसे इंजेक्शन देती है। कैसे दे रही है बता दो पहले ना, पहले कैसे की है? दिशानी अच्छे से करो ना। दिशानी परवल को छील के रख लिया, अभी बीच में चीरा लगाएंगे और इसके अंदर के जितने भी बीज है उसे निकाल दूंगी। परवल को फ्राई कर लिया है। Sorry for being, for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. हो गया दिशानी, सारा दिन कार्टून देखती है। छोलो दिन छोलो दिन छोलो दिन, ये मेरा तो मन पसंद का कार्टून है। हाँ दृशानी ना ब्लैकमेल करती है हम लोग के साथ, हम लोग के साथ ब्लैकमेल करती है। खाना तभी खाऊंगे जब मोबाइल देगी। नहीं खुद देख रही थी तो ठीक था, अब मौसी जैसे ही ले ली मोबाइल वैसे ही अब छीन लो। ना मम्मी का मोबाइल छूने देती है मौसी को ना पापा का। अब यहाँ पे मसाला भून के रेडी हो गया है। पूरा अच्छे से देखिए प्याज गल गया है। प्याज भूनते वक्त ही ना मैं नमक डाल दी थी तो इसलिए अच्छे से गल गया है। तो अभी अच्छे से मसाला भून गया है, मसाले को ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं परवल में भरूंगी। सारे परवल में मसाले अच्छे से भर लिए हैं और थोड़ा सा मैं मसाला बचाई हूँ क्योंकि ग्रेवी बनाना है। तो अभी इसमें डालूंगी गरम पानी, अभी थोड़ा सा नमक भी डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने देंगे। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, थोड़ा सा अचार भी ली हूँ। क्या कर रही दीशो, आ जाओ खाना खाने। सोफे में खा। नहीं सोफा में नहीं खाऊंगी, हटो 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 यहाँ से। सोफे में खाओ। जाओ उधर साइकिल रखो। नहीं सोफे में खाओ। सोफा में नहीं खाना चाहिए। नहीं सोफे में, सोफे में, नहीं सोफे में, सोफे में। हट जाओ बेटा, मैं नीचे बैठ के खाऊंगी। सोफे में खाओ। नहीं इसको साइकिल चलाने को नहीं बनेगा। देख ये कैसे कर रही है, कैसे कर रही है। अभी मैं खाना खाई हूँ और अभी मुझे वीडियो एडिट करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। मैं किचन के लिए ना एक चीज ऑर्डर की थी, बहुत क्यूट सा है, अच्छा है और उसका बहुत जरूरत भी था। मीशो से ऑर्डर की थी, लगभग 1 वीक या फिर 10 दिन पहले आया था, मुझे याद भी नहीं कब आया था, बहुत टाइम पहले आया था। 10-15 दिन हो गया क्या? तो बहुत टाइम पहले आया था, तो कब से मैं रखी हुई हूँ। और बीच में ना दृशानी का तबीयत खराब हो गया था तो उलझ के रह गई और इसको मैं भूली गई थी। अभी मैं देखी तो मुझे याद आया और इसको अभी मैं साफ करूंगी। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत क्यूट सा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा बॉक्स में आया था और क्या है अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। ऑयल रखने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसलिए मैं इसे मंगाई हूँ और 2 दिया है, 500 ग्राम का ये बोतल है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, देखिए कितने अच्छे पैकेजिंग में आया है। पैकेजिंग तो इसका बहुत अच्छा लगा। इस टाइप का बोतल है, 500 ग्राम का है और 2 है, तो एक में रिफाइन ऑयल रख सकते हैं, एक में मतलब जो भी ऑयल खाते हैं। मैं तो रिफाइन ऑयल बहुत कम यूज करती हूँ, ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। तो एक में मैं रिफाइन ऑयल रखूँगी, एक में मस्टर्ड ऑयल रखूँगी। बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला ये, मैं फटाफट से ऑर्डर कर दी। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ कुछ चीजें फ्री भी दिया है, ये तो 2 बोतल है और ये इसका रिफिल दिया हुआ है इसके अंदर लगाने के लिए। अभी तो मैं साफ करूंगी फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी। इसको खोलना रहेगा ना, तो ऐसे खोल सकते हैं फिर ऐसे लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, इसका बहुत ज्यादा जरूरत था, बहुत जरूरत था। और देखिए इसके साथ क्या फ्री मिला है, ये छोटा सा, ये भी कांच का ही बोतल है। इसके अंदर ऐसा होल है नमक उमक डालने के लिए, वैसे कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो
ये नमक डालने के लिए ना सही है, कभी कभी खाने में नमक कम पड़ जाता है ना, तो ऐसे डालने के लिए। ये भी कांच का बोतल है, दो दिया फ्री में ये, और उसके बाद इसमें दो और चीज दिया है। देखिए एक तो ये ब्रश है, पराठा वराठा बनाने के लिए सही है ये। एक छोटा सा स्पैचुला दिया हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा है। केक बनाने वाला थे बस, इसके साथ ना यही सब सामान दिया है, लेकिन सबसे अच्छा ना मुझे ये लगा, बोतल लगा। चलिए आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईशु बाय बाय बोल दो, बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सुबह का टाइम है, 8 बज रहे थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड डोज वैक्सीन लेने। मेरे हस्बैंड तो पहले ही ले लिए हैं, लेकिन हम दोनों बहन बच गए थे, तो हम लोग वही वैक्सीन के लिए जा रहे हैं। और ये वीडियो मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना मेरे मोबाइल के किसी प्रोफाइल में सेव हो गया था और मैं जब ढूँढी उस वक्त मिला नहीं, तो मैं ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई थी। जब दृशानी हॉस्पिटल में एडमिट थी तभी हम लोग वैक्सीन लिए थे। दृशानी मेरी 6 तारीख को एडमिट हुई और हम लोग 7 तारीख को वैक्सीन लिए। इतना ज़्यादा भागम भाग हो गया था कि क्या बताओ, एक तो मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और मैं वैक्सीन लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा था हम लोगों को कि वैक्सीन किधर मतलब मिल रहा है और सेकेंड डोज का कब मिलेगा, फर्स्ट डोज का कब मिलेगा, तो उसकी वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो जब मेरे हस्बैंड को पता चला, तो पता लगा रहे थे मेरे हस्बैंड, जब उनको पता चला तो फटाफट से बुक कर दिए, तो हम लोग चले आए। अभी क्या कर सकते हैं, वैक्सीन लेना भी ज़रूरी था। वैक्सीन लेने के लिए हम लोग दुबे हॉस्पिटल में आए थे, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बदलापुर ईस्ट में है। तो हमारे सोसाइटी में एक भैया है, उन्होंने ही बताया था, तो उनके थ्रू ही हम लोग आए थे। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ ना बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो गाड़ी में आए हम लोग और जब वैक्सीन लग गया तो फिर तो हम लोगों को घर तक छोड़ भी दिए, तो बहुत अच्छा लगा। आराम से आए और आराम से चले गए। बस यहाँ पे ना हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, 1-2 घंटा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, सब लोग लाइन में लगे हुए थे। और बहुत अच्छे से वैक्सीन लगाया, मुझे तो पता भी नहीं चला। और फर्स्ट डोज का मेरा वैक्सीन लगा था ना, वो भी मुझे पता नहीं चला था, लेकिन उस टाइम में ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था और बॉडी पेन हो रहा था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी पता नहीं चला। और मेरे हस्बैंड भी लिए थे ना वैक्सीन सेकेंड डोज का, तो उनको भी कुछ भी नहीं हुआ था, तो मुझे पहले से ना विश्वास हो गया था कि हम लोग को भी कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हम दोनों बहन ने एक साथ ही ले लिए। और आप लोग भी कमेंट करके बोले हुए थे कि कुछ नहीं होता है सेकेंड डोज में, तो अभी तो वैक्सीन लिए हुए हम लोगों को बहुत दिन हो गया, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी डिलेट ही होने वाला था, लेकिन फाइनली मिल गया। फर्स्ट डोज का जब हम लोग वैक्सीन लिए थे तो वो वीडियो तो डिलेट हो गया था, मैं गांव में थी, आप लोगों को बताई थी। आज हम लोग वैक्सीन लेने गए थे, वैक्सीन लेकर आ गए हैं, और आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ। मनीषा रोटी और सब्जी बना के रखी हुई थी, और अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल।